आज सहारनपुर नंगल डैम पैसेंजर ट्रेन के इंजन में तकनीकी दिक्कत के चलते धुआं उठने लगा, जिसके बाद ट्रेन को अंबाला के बराड़ा स्टेशन के नजदीक रोकना पड़ा। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि अचानक पटाखों की आवाज आई और धुआं उठने लगा, जिसके चलते ट्रेन को रोका गया। ट्रेन एक घंटे से ज्यादा बराड़ा स्टेशन के नजदीक खड़ी रही। उसके बाद इंजन की तकनीकी दिक्कत को दूर कर ट्रेन को अंबाला कैंट की तरफ रवाना किया गया। आज सुबह अंबाला के बराड़ा रेलवे स्टेशन को पार करते ही सहारनपुर नंगल डैम पैसेंजर ट्रेन के इंजन में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। मेरा नाम है नवीन सिजदेवा, आईएम नगर से अंबाला डेली अप डाउन करता हूं। ये गाड़ी बराड़ा स्टेशन से बाहर निकली तो इसमें फर्स्ट इंजन में पटाखे बनने शुरू हो गए, जिससे बराड़ा ऑटो पे गाड़ी खड़ी है, आधा घंटा हो गया। क्या हुआ, क्या था, आप लोगों को कैसे पता लगा? और जल्दी गाड़ी में पटाखे बनने लगे, आग लेने धुआं निकलने लग गया। अंबाला जा रहा था लेकिन ये बराड़े से आगे गाड़ी निकली तो एकदम से रुक गई है, इसमें धुआं निकलने लग गया, आग ऐसे लग रहा था, काफी तार जलने की बदबू आई तो फिर गाड़ी रोक दी। सहारनपुर नंगल डैम पैसेंजर ट्रेन में ज्यादातर दैनिक यात्री सफर करते हैं, लेकिन ट्रेन एक घंटे से ज्यादा आउटर पर खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी देर इंतजार करना पड़ा और परेशानी झेलनी पड़ी। अंबाला रेलवे स्टेशन के निर्देशक बीएस गिल ने बताया कि ट्रेन के इंजन में दिक्कत आ गई थी, जिससे किसी भी गाड़ी पर असर नहीं पड़ा है। तकनीकी दिक्कत के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया था। ये गाड़ी सुबह 64511 आ रही थी तो इंजन के पेंटों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि करीब 8:08 के करीब हुई की घटना है ये, और उसको पीछे से रिलीफ इंजन डाल के उसको वापस बराड़ा लाइन नंबर 3 में क्लियर कर दिया गया था जी। कितनी गाड़ियाँ? गाड़ी तो सिर्फ यही लेट हुई है, बाकी तो क्योंकि गाड़ी को क्लियर कर लिया गया था ब्लॉक सेक्शन, तो इतनी कोई ज़्यादा गाड़ी हिट नहीं हुई है इसमें, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाऊँगा। कोई नुकसान? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है सर, कुछ हुआ नहीं, तो पेंटों में कई बार दिक्कत आ जाती है, उसके इंजन में पेंटों में कोई डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम। बाला से रोजी बहल। एक बार फिर बजी जींद में चुनाव की रणभेरी, एक बार फिर मैदान में उतरेंगे सियासी योद्धा। कौन लड़ेगा विकास के मुद्दे पर, कौन खोलेगा सत्ताधारियों की पोल, क्या भाजपा जीत पाएगी ये सेमीफाइनल, या फिर विरोधी बजा देंगे ढोल। जींद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखिए जींद की जंग, केवल सत्य खबर पर। आज ही लॉगिन करें www.satyakhabar.in पर। सब्सक्राइब करें YouTube/satyakhabar। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।